मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जन दी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं, या मेरे माँ बाप थोड़ी है। पिछले दिनों फिरोजाबाद के इस वीडियो ने सभी को हैरान करके रख दिया था। वीडियो में भले ही सिपाही रो रहा हो, लेकिन आंखें जिसने भी वीडियो देखा उसकी ही नम हो गई। वीडियो में एक सिपाही मेस के खाने की शिकायत करता दिख रहा था, जिसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ और मीडिया की सुर्खियां बन गया। जिसके बाद खुद पुलिस लाइन में बने मेस में एडीजी राजीव कृष्णा पहुंचे और मेन्यू रजिस्टर चेक करके कहा कि अगर किसी भी पुलिसकर्मी को शिकायत हो तो वो तुरंत अधिकारी के पास आए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब क्या। तो आपको बता दें कि फिरोजाबाद में खराब खाने को लेकर अब पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक देवेंद्र सिकरवार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है। जब हमने प्रतिसार निरीक्षक देवेंद्र सिकरवार से बात की तो उन्होंने फोन पर स्वीकार किया कि हाँ, ये निर्देश जारी हुए हैं। उनकी तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसमें लिखा है, पुलिस लाइन फिरोजाबाद स्थित भोजनालय में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं उत्कृष्ट रखने तथा सभी पुलिसकर्मियों को अच्छा भोजन उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत आदेश पारित किए जाते हैं। उक्त आदेश दिनांक 16/8/2022 से प्रभावी होंगे। नंबर एक, जिला मेस में भोजन करने वाले पुलिसकर्मियों को भोजनालय के रजिस्टर में नाम लिखवाया जाना अनिवार्य है। नंबर दो, जिला मेस पुलिसकर्मियों के भोजन हेतु 24 घंटा खुला रहेगा, जिसके लिए 12-12 घंटे की शिफ्ट में मेस मैनेजर की ड्यूटी लगाई गई है। देर रात्रि आने वाले पुलिसकर्मियों को टिफिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इस लेटर की प्रतिसार निरीक्षक ने फोन पर पुष्टि तो कर दी, लेकिन कुछ भी कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके कंधों पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर उन्हें ढंग से खाना नहीं मिलेगा, अगर उन्हें ही रो रो कर वीडियो बनाना पड़ेगा, तो इससे भी बुरा भला क्या ही हो सकता है। सुधीर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।